राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला में आयोजित आर्य उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुर्वेदिक मंत्री विपिन सिंह परमार ने शिरकत की। कार्यक्रम में व्यासनाथ के विधायक, मुल्क राज प्रेमी नगरोटा वगमा के विधायक अरुण मेहरा, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव भारद्वाज विशेष रूप से मौजूद रहे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने महाविद्यालय में आर्य उत्सव के रूप में सुंदर आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई से जहां बच्चों का भौतिक विकास होता है, वहीं संस्थानों में इस तरह के आयोजनों से सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने कहा कि ये हर्ष की बात है कि ये संस्थान सभी राज्यों के आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थानों में शीर्ष पर है और सरकार संस्थान को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा की पुरानी और प्रचलित विधि है और सरकार आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की दिशा में विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ शिक्षा ग्रहण कर चुके डॉक्टर पूरे देश में अपनी बेहतर सेवाएं देकर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संस्थान को और कैसे बेहतर बनाया जा सके, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जून माह में धर्मशाला में होने वाले इन्वेस्टर मीट में आयुष इन्वेस्टर को भी आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 100 आयुर्वेदिक संस्थानों में योग शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पपरोला संस्थान को भी अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहुत सुंदर वातावरण है और इसका लाभ उठाकर प्रदेश में परचम केंद्र स्थापित किए जाएंगे, प्रदेश में पंचकर्म केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद उपचार के लिए बहुत प्रचलित है और आने वाले समय में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेटियां शिक्षा सहित प्रदेश के क्षेत्र में लड़कों से आगे हैं, इसके लिए बेटियां बधाई की पात्र हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान में शीघ्र ही ऑडिटोरियम का काम आरंभ होगा और इसके लिए जो धन की कमी है उसे आयुर्वेद विभाग जारी करेगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु डॉक्टरों के स्टाइफंड को बढ़ाने के फैसले मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1100 AHC हैं और इनमें से डॉक्टरों के पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 100 डॉक्टरों के पद भर दिए गए हैं और 100 डॉक्टरों के पद शीघ्र भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां पंचकर्म सुविधा दी गई है, ऐसे संस्थानों में सभी मसाजर के पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही 176 पद मसाजर के भरने जा रहे हैं, जो उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 1,00,000 रूपये देने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर महाविद्यालय के मेधावी प्रशिक्षु डॉक्टरों को पुरस्कार भी दिया। इस अवसर पर प्रशिक्षु डॉक्टरों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। विभाग तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने, श्रद्धे श्री जयराम जी ने मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट, आयुर्वेदा मेडिकल एजुकेशन, साइंस टेक्नोलॉजी की जिम्मेवारी दी है। परंतु जैसे यहां पर माननीय प्रधानाचार्य जी ने कहा कि आज मैं उस स्थान पर खड़ा हूं जहां किन परिस्थितियों में ये कॉलेज बना, शुरुआत हुई, मैं नाम भूल गया, हमारे बीच में डायरेक्टर आयुर्वेदा जो जयपुर से आए हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं संजीव शर्मा जी, किन परिस्थितियों में ये कॉलेज पहुंचा उसके पीछे एक लंबी कहानी रही है। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस महाविद्यालय के निकले हुए विद्यार्थी अपना नाम हिमाचल प्रदेश के अलग अलग आयुर्वेदा संस्थानों में पहुंचा रहे हैं, पर यहां का नाम हिमाचल में नहीं, यहां का नाम जयपुर में भी गूंज रहा है और दिल्ली में भी गूंज रहा है। इसलिए जब हमारे यहां से निकले हुए डॉक्टर्स उस मुकाम पर पहुंच करके आयुर्वेदा को दिशा देने का काम कर रहे हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। आयुर्वेदा जो हमारे कॉलेजेस हैं उसमें पपरोला का नाम सबसे ऊपर है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये किसके कारण हुआ, किसके माध्यम से हुआ? सरकारें आती हैं और चली जाती हैं,
परंतु मुझे इस बात का गर्व है कि ये सब कुछ जो संस्थान जिन ऊंचाइयों को छूते हैं, ये वहां के प्रिंसिपल, वहां के स्टाफ और पढ़ने वाले बच्चों के कारण होता है। इसलिए प्रस्तुत की वो हमने इकट्ठे मिलकर के बनाई थी।